नमस्ते, buddha.org में आपका स्वागत है। आज हम हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक भगवान शिव की गहरी आध्यात्मिक महत्वता में डूबेंगे। भगवान शिव को विनाशक और परिवर्तक के रूप में पूजा जाता है, जो सृष्टि, संरक्षण और विनाश के चक्र को दर्शाते हैं। शिव कौन है? शिव, जिन्हें महादेव के नाम से भी जाना जाता है, भारत और उससे परे पूरे जगत में उनको पूजा जाता है। उन्हें कई रूपों में दर्शाया जाता है, जैसे कि ब्रह्मांडीय नर्तक नटराज, तपस्वी योगी और अर्धनारेश्वर, जो पुरुष और स्त्री ऊर्जा के संघ का प्रतीक है। शिव के प्रतीकों की बात करें तो जो उनका त्रिशूल है, वो जीवन के तीन मौलिक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है, सृष्टि, संरक्षण और विनाश। उनकी तीसरी आंख उच्च चेतना और भौतिक क्षेत्र से परे देखने की क्षमता का प्रतीक है। उनके सर पे चंद्रमा है, जो कि समय के चक्रीय स्वभाव और ब्रह्मांडीय लय को दर्शाता है। गले में सांप भय और मृत्यु पर नियंत्रण का प्रतीक है। जटाओं से निकलती गंगा शुद्धिकरण और मुक्तिदायक ज्ञान का प्रतीक है। शिव केवल एक देवता नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागृति का एक गहरा प्रतीक है। उन्हें आदि योगी, प्रथम योगी के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने योग और ध्यान का ज्ञान दिया। उनके शिक्षण आंतरिक परिवर्तन और आत्म साक्षात्कार के महत्व पर जोर देते हैं। भगवान शिव के परिवार में उनकी पत्नी पार्वती और उनके बच्चे गणेश और कार्तिकेय हैं, जो कि एक दिव्य परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं। पार्वती शक्ति, दिव्य स्त्री ऊर्जा का प्रतीक है, जबकि गणेश और कार्तिकेय क्रमश ज्ञान और वीरता का प्रतीक है। शिवलिंग की अगर बात करें तो शिवलिंग सृष्टि के ब्रह्मांडीय स्तंभ और अप्रकट दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। ये ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यासों का केंद्र बिंदु है, जो भक्तों को रूप से निराकार की ओर मार्गदर्शन करता है। उनका मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप एक शक्तिशाली अभ्यास है, जो मन और आत्मा को शुद्ध करता है। यह हमें शिव की दिव्य ऊर्जा से जोड़ता है, आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है। शिव के शिक्षण और प्रतीकवाद अस्तित्व की प्रकृति और आध्यात्मिक जागृति के मार्ग पर गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इन शिक्षाओं को अपनाकर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और अपने भीतर की दिव्य सार से जुड़ सकते हैं।
आइए एक छोटी सी ध्यान विधि में प्रवेश करते हैं। इस सुंदर संगीत के माध्यम से हम भगवान शिव की दिव्य तरंगों में डूबेंगे। ये संगीत को इस तरह से जो है क्रिएट किया गया है जिससे आपको सिंपली रिसीव करना है। आपको इन तरंगों को अपने भीतर जो है समा लेना है। ये भगवान शिव की प्रेमपूर्ण ऊर्जा को अपने भीतर एक इनविटेशन देना है। अपनी आंखें बंद कर लें, बिल्कुल आराम से जो है बैठ जाएं या लेट जाएं, जैसा आपको ठीक लगे। रीढ़ की हड्डी सीधी हो और इस संगीत को अपने भीतर प्रवेश करने दें। शिव की ऊर्जा को अपने भीतर भरने दें। Namah Shivaya।
इस छोटे से ध्यान में जुड़ने के लिए धन्यवाद। भगवान शिव के आशीर्वाद आपके आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शन करें। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।